जो है ये दो महीने से बिल्कुल ही गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, गाड़ियां खराब होती हैं, रोज लोगों का पैसा खर्च होता है, कितने पब्लिक से परेशान है, किसी ने श्रीनगर जाना है, किसी ने रजौरी जाना है, किसी ने जम्मू जाना है, और इस रोड पे कोई डीसी तक कोई आदमी तवज्जो नहीं दे रहा, डीसी तक कोई आदमी तवज्जो नहीं दे रहा। अगर डीसी साहब के पास हम जाते हैं तो डीसी साहब कहते हैं जी हमारे पास ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे, अब हम किसके पास जाएं? अगर डीसी के पास अगर हम जाते हैं तो डीसी आगे हमें कहता है जी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके डीसी को तवज्जो लेनी चाहिए। ये मनियाल गली पहले सन 1914 में ये बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, मनियाल गली आज वही मनियाल गली है जिस मनियाल गली का बेड़ा गर्क हो रहा है, और खास करके डिस्ट्रिक्ट करजोरी को जितने भी ऑफिसर हैं उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। मिशन की तरफ से देखा जाए तो वो इंतहाई गफलत शहरी की उन्होंने भर्ती हुई है यहाँ पर, खास करके ये हिली एरिया मनियाल गली जहाँ से ये रोड की कटाई हो रही है और बहुत ज्यादा स्लाइडिंग हो रही है और हर नए दिन यहाँ हादसा पेश आ रहे हैं। और आपके जरिए से अक्सर हमने अपनी रोदात पेश करने की कोशिश की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो दूर की बात है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी गैर जिम्मेदार है, जिसने यहाँ पर कोई जिम्मेदारी से काम न करवाया है न किया है। यहाँ कंपनी भी इसकी जिम्मेदार है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसकी जिम्मेदार है। लोगों की जमीनें भी यहाँ तबाह करवाई है, मकान भी तबाह किए हैं, और जो रोड थी रोड तो है ही नहीं है, और इसीलिए हर दिन नए हादसा हो रहे हैं। और कल ही गुजरे हुए कल में यहाँ एक स्कूल बस थी वो अल्लाह के करम से एक बहुत बड़े हादसे से बच गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि डीसी रजौरी से कि वो खुसूसी तौर पर यहाँ विजिट करें और इस इलाके को देखें, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लोगों को ये कहा जाता है कि नुकसान होने दो फिर उसकी भरपाई की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के ये ख्याल हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी से इन कामों को देखा जाए और करवाया जाए।